अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? महाराष्ट्र के रायगढ़ में शनिवार दोपहर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के कारण पनवेल वसई मार्ग पर जाम लग गया। मध्य रेलवे ने बताया है कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित है। घटना की वजह से कई ट्रेनों के मार्गों को परिवर्तित करना पड़ा है। घटना स्थल पर करीब 250 मजदूर मौजूद है, जो वहां स्थिति बहाल करने और ट्रैक क्लियरिंग कर रहे हैं। इसका असर दीवा तलोजा रेल मार्ग पर प्रभावित हुआ है। लोगों ने दीवा स्टेशन पर जमकर हंगामा कर दिया। उनका कहना है कि हमारी ट्रेन क्यों नहीं है। सावंतवाड़ी कोंकण जाने वाली यात्रियों ने दीवा स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। सारे यात्री सुबह से दीवा में ट्रैक पर आकर ट्रेन के आगे खड़े हुए हैं और ट्रेन को रोक दिया है। उनका कहना है कि हमारी ट्रेन क्यों नहीं है, इसलिए जीआरपी पुलिस यात्रियों से मिन्नतें कर रही है कि आप सब ट्रैक छोड़कर हट जाए, ताकि और दूसरी गाड़ियां भी जा सके। इस तरह से यात्री अपने गुस्से की भड़ास को ट्रेन रोककर निकाल रहे हैं। इस घटना से बहुत सारी ट्रेनें प्रभावित हुई है और कई ट्रेनों को कल्याण और कसारा के रूट से निकाला गया है। यात्रियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस हादसे के कारण लोकल ट्रेन भी प्रभावित हुई है। यात्रियों के गुस्से को देखते हुए रेलवे प्रशासन यात्रियों से ये विनती कर रही है कि आप ट्रैक से हट जाए, ताकि और दूसरी ट्रेनें भी जा सके। तुमचं कधी होणार? आमची गाडी आमची कालपासून आम्ही लाईनीत उभे आहोत। काल रात्रीपासून स्टेशनपासून लोक उभे आहेत, सीएसटी पासून लोक उभे आहेत। त्यांची जर गाडी चालू होणार नव्हती तर या लोकांनी तिकीट कशाला द्यायची? आणि आम्ही रात्रभर आम्हाला सांगतात 2 तास चालू होणार, 2 तास चालू होणार, अजून गाडी चालू झाली नाही। जेव्हा या लोकांची वंदे मातरम ट्रेन जाऊ शकते, मग आमची कोकणातली गाडी का नाही जाऊ शकत? रात्री 12:30 ला गाडी लागली, तेव्हा जर गव्हर्नमेंटनी डिक्लेअर केलं असतं की गाडी आम्ही कॅन्सल जर केलं असतं स्टेशनला। पहिले